छतरपुर नगर में दिखा कांग्रेस भारत बंद का काफी असर। यहां सभी दुकानदारों ने अपनी इच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। साथ ही कांग्रेस वालों ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से आम जनता के जीवन में काफी असर पड़ा, लेकिन वर्तमान सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। इसी के विरोध में छतरपुर में बस स्टैंड पूरी तरह से बंद रहा और यहाँ से जाने वाली सभी बसें बंद रहीं। एमपी न्यूज कार्ड से विनोद रजक की रिपोर्ट। दिलीप कुमार है नाम, सर बस यूनियन। यहाँ पे बस स्टैंड आज क्यों बंद है जी? बसें क्यों नहीं चल रही हैं यहाँ पे? बस स्टैंड इसलिए बंद है कि भारत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए और रोज़ बढ़ाती जा रही है, और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें आह्वान किया था कांग्रेस पार्टी ने कि आज 10 तारीख को भारत बंद रहेगा। इस उपलक्ष्य में ये पूरा तरह से शहर छतरपुर पूरा बस स्टैंड बंद है, और ये बस स्टैंड से जो बसें जाती थी रोज़ 460 बसें छूटती थी बस स्टैंड से, वो सभी बसें यहाँ से बंद हैं। कोई वाहन यहाँ से प्रवेश नहीं हो रहा है, ना प्रारंभ हो रहा है, ना कोई बसें जा रही हैं, और ये मोदी सरकार की नीति के खिलाफ एक जन आंदोलन है। तो क्या आज जैसे बसें बंद रहेंगी तो इसका कोई असर पड़ेगा क्या? सरकार को सोचने चाहिए कि जनता परेशान हो रही है, दुकानें बंद हैं, आवागमन बंद है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो रेट बढ़ रहे हैं, रोज दाम बढ़ रहे हैं डीजल के, पेट्रोल की और गैसों की, इसमें कुछ कम करे, जनता को राहत मिले। खाद्य पदार्थ की चीज़ें महंगी हैं, तेल महंगा है, आटा महंगा है, ये चीज़ें अगर सरकार कम कर दे तो जनता को राहत मिलेगी, और नहीं करेगी तो आने वाले समय में भाजपा सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।